हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सावल क्लासेस। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट? मिशन पीएस टेट 21 का जो आज हमारा फाइनल हो चुका है, तो पीएस टेट शाम को जो पीएस टेट 21 शाम को जो परीक्षा हुई है उसका ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं सावल क्लासेस के ओपन प्लेटफॉर्म के अंदर। तो सीडीपी आज जो पेपर 2 फॉर बीएड क्लासेस के लिए हेल्ड ऑन टूडे दैट इज 24 दिसंबर 2021, आज का जो पेपर 2 हम लोग उसकी सीडीपी का जो पार्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको समय समय पर जो है वो सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ कि जो ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट रिप्रेजेंट विच स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एज। तो जो एरिक्सन का साइकोसोशल जो सिद्धांत है उसके अंदर जो पहली स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास, इसमें जो है वो किस दौर की नुमाइंदगी करता है स्टूडेंट्स? तो वो जन्म से लेकर 1.5 साल तक की जो है नुमाइंदगी करता है, फ्रॉम बर्थ टू 1.5 ईयर्स तक की। उसके बाद अगली अवस्था है, तो पहले का यही उत्तर है स्टूडेंट्स। हु सेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ हिज इंटरेक्शन विद हिज सोशल एनवायरनमेंट। किस अनुसार व्यक्ति का विकास उसके अपने सामाजिक वातावरण नाल परस्पर प्रभाव का नतीजा है स्टूडेंट? ये शायद मेरे पास जो पेपर है वो एस है, ये एस कोड का पेपर है, मुझे लग रहा है मेरे पास एस का। तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को सेट कर लें, ये एस सीरीज है स्टूडेंट्स, एस सीरीज का ये क्वेश्चन पेपर है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। किस अनुसार व्यक्ति का विकास उसके अपने सामाजिक वातावरण नाल परस्पर प्रभाव का नतीजा है स्टूडेंट? सारे क्वेश्चन हम लोग जनरल डिस्कशन किए हुए हैं ओपन सीरीज के अंदर, पेड सीरीज के अंदर, तो दोनों ही क्वेश्चन पहले दोनों एरिक्सन के साइको सोशल सिद्धांत के साथ संबंध रखते हैं। तो जो डी है वो एरिक्सन का मानना है कि अपने सामाजिक वातावरण का जो है परस्पर प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, और 8 स्टेजेस उसने दी थी जिसका पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। कोहलबर्ग डिफाइंड मॉरल डेवलपमेंट एज द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को व्यक्ति की न्याय की भावना के विकास के रूप में परिभाषित किया, जस्टिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जस्टिस जो है वो यहां पर आएगा, जस्टिस इज द राइट आंसर सी। प्याजे अनुसार केड़ी उम्र भाषा की गैर मौजूदगी नाल विशेष तौर पर संबंधित है? बाय द एबसेंस ऑफ लैंग्वेज दैट इज बर्थ टू 2 ईयर्स। पहले जिंदगी के जो 2 साल है बच्चा भाषा का इस्तेमाल बहुत कम या ना के बराबर करता है, तो प्याजे के अकॉर्डिंग ए। मानसिक उम्र का संकल्प किसने विकसित किया? तो जो मेंटल एज का कंसेप्ट है वो दिया था एल्फ्रेड बिनेट ने 1905 के अंदर, तो एल्फ्रेड बिनेट जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन सीरीज मेरे पास एस है, सभी क्वेश्चन हमारे तकरीबन जो है वो किए हुए आए हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू हरलॉक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर इन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंसिस। तब्दीलियां आते प्रगतिशील लड़ी नु की कहते हैं स्टूडेंट्स हरलॉक के अनुसार? तो विकास, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विकास कहते हैं कि जो हमारा प्रोग्रेसिव है जिसके अंदर तब्दीलियां आती है, तो दैट इज विकास, दैट इज डेवलपमेंट। तो छठे का बी आंसर। सातवां है ऐसा लगातार होने वाला बदलाव जेड़ा कि एक शैली अनुसार होता है डैश कहते हैं, लगातार होने वाला बदलाव, वाधा रुक जाता है जो है विकास रुकता नहीं है, तो लगातार होने वाला बदलाव जेड़ा है स्टूडेंट्स वो विकास आएगा सी। तो एनी कंटिन्यूस चेंज विच फॉलोज अ पैटर्न दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डियल टेंडेंसीज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ओवर हिज और हर। तो पहले पेपर में भी आया था सिफेलोकॉर्डियल में, सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, सबसे पहले जो है वो हेड में जो है बच्चे का हेड बच्चा कंट्रोल बनाता है, उसके बाद बच्चा जो है वो पैर की ओर जाता है। तो बिल्कुल हेड इज द राइट आंसर सी, सिर, सिर जो है बिल्कुल सही जवाब है। नाइन्थ क्वेश्चन है द कॉमन मिस डायग्नोसिस ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज। तो प्रतिभाशाली बच्चे का आम गलत निदान केड़ा है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऑबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कंपल्सिव डिसऑर्डर और मूड डिसऑर्डर। तो मेरे अनुसार स्टूडेंट जो इसका जवाब है वो डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। डी वाले भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी। तो जो है ऑर्थोपेडिक तौर पर अपाहिज कैटेगरी विच नहीं है, सेरेब्रल पाल्सी, ब्रेन इंजरी, पोलियो, लेकिन जो तीनों है, लेकिन जो ब्लाइंडनेस है वो सेरेब्रल पाल्सी, सॉरी जो ऑर्थोपेडिकली के अंदर नहीं आती है, जो अन्नापन है
और ऑर्थोपेडिक तौर पर अपाहिज कैटेगरी में शामिल नहीं है। जनशाला प्रोग्राम का महत्व केड़े बच्चों की लड़कियों की बच्चों और लड़कियों की सिक्ख्या से जोर देना सी। स्टूडेंट चाहे वह मार्जनलाइज ग्रुप हो, चाहे वह SC ST ग्रुप हो, चाहे वह वर्किंग चिल्ड्रन हो, सारे बच्चों को बेनीफिट देने वास्ते जोड़ा है और जनशाला प्रोग्राम जोड़ा है उसका महत्व जोड़ा है वो आया सी। तो इसका जो जवाब है दैट इज ऑल ऑफ द अबव आएगा। डी ADHD बच्चों लिए जो अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बच्चे हैं उनका विद्यक उपचार कैसा होना चाहिए, उनको स्टूडेंट इंडिविजुअल अटेंशन की भी जरूरत है, उनको इंडिविजुअल केयर की भी जरूरत है, तो बोथ ए एंड बी दोनों ही सही है स्टूडेंट्स। तो इसका सार जो है वो सी उत्तर बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत तवज्जो वालों भी व्यक्तिगत देखभाल वालों भी। थॉट एंड लैंग्वेज बुक के लेखक कौन है, थॉट एंड लैंग्वेज बुक के लेखक कौन है स्टूडेंट्स, थॉट एंड लैंग्वेज बुक के लेखक है स्टूडेंट्स वाइगोत्स्की, ही इज द राइट आंसर। वाइगोत्स्की का मानना है थॉट पहले आते हैं और उन्होंने इसी पर बुक लिखी है थॉट एंड लैंग्वेज वाइगोत्स्की। डिफरेंशियल मनोविज्ञानी का मोडी किसनों क्या जाता है, डिफरेंशियल मनोविज्ञान का मोडी जोड़ा है वो क्या जाता है स्टूडेंट्स गाल्टन ए, गाल्टन इज द राइट आंसर। भेदात्मक मनोविज्ञान का मोडी स्टूडेंट जैसे कि आपको पता ही है कि लॉन्च हो चुका है, बिगुल बन चुका है EDT और मास्टर कैडर पोस्ट का, तो आप हमारे सावल ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि जो आपको इनमें भी सफलता मिल सके। तो ज्वाइन अवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, टाइप योर नेम सिटी और सब्जेक्ट का नाम जरूर लिख दें और इस अपने मैसेज को व्हाट्सएप ग्रुप पर इस नंबर पर भेज दें। हाँ जी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू होम लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल, किस दिन सार भाषा सब तो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मुजार है। तो बड़े सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट जो हमारे ओपन क्लास के अंदर बिल्कुल सीधे ही आए हैं, तो बिल्कुल वाइगोत्स्की का ऐसा मानना है, लियो वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा जो है वो व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण औजार है। पी वाइगोत्स्की अनुसार इरादतन क्रिया लई केड़ी स्पीच का उपयोग किया जाता है जो किसी इरादे के लिए की हो, सामाजिक भी हो सकती है, इगोसेंट्रिक भी। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो दोनों ही आएगा स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जवाब थोड़ा सा मैं इसको डाउटफुल में जा रहा हूं, तो ए या डी भी हो सकता है। तो आप सोशल मुझे ऐसा लग रहा है, तो जो सामाजिक हम लोग करते हैं ना वो इरादतन होती है, तो अभी इसको थोड़ा अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ई का भी कुछ हो सकता है स्कोप यहाँ पर, तो पिन कर सकते हैं हम एक दूसरे। इमोशन शब्द डैश भाषा दे इमोवियर तो लिया गया है, द वर्ड इमोशन इज ड्राइव फ्रॉम द डैश वर्ड इमोवियर इन लैंग्वेज। इमोशन जो लतीनी भाषा के इमोवियर शब्द से लिया गया है, तो मुझे लगता है जो ये इसका जवाब जो है वो फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है इमोवियर, तो वहां से लिया गया है। इमोवियर जो है वो फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है इमोवियर फ्रेंच। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग अनुसार सृजनात्मकता दी लोड़ इंद्री बुद्धि या केड़िया तीन किस्म हैं, तो पहला एनालिटिकल है, दूसरा क्रिएटिव है, तीसरा प्रैक्टिकल है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है इसका जवाब जो है वो आपके ए ही होगा। एनालिटिकल सबसे पहले आती है कैटेगरी स्ट्रॉन्ग, उसके बाद क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग आते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग आते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। वैदिक काल के महान विद्वान अष्टवक्र नु केड़ी असमर्थता सी, सुनना दृष्टि ऑर्थोपेडिक या सारे। तो वैदिक काल में जो अष्टवक्र था 8 जगह से टेढ़ा था, तो उसको जो है वो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप से वो जूझ रहा था। सी इज द राइट आंसर अष्टवक्र। टर्मेन अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे डैश विच बेहतर होंदे हन, शारीरिक विकास, सिक्ख्या प्राप्ति, बुद्धि या सारे। टर्मेन के अनुसार सभी तरह के जो बच्चे हैं वो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं दे आर सुपीरियर फ्रॉम फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट और इंटेलिजेंस, दोनों से ही जो है वो संबंधित है। डी इज द राइट आंसर। डी बच्चों पढ़ने विच मुश्किल डैश करके आ सकती है, दृष्टि दोष, सुनन दोष, रुचि की घाट या सारे। बच्चों पढ़ने विच मुश्किल जो है बिल्कुल दृष्टि दोष करके आ सकती है, विजुअल डिफेक्ट्स करके जी मुश्किल आ सकती है। हेठ लिखा विच केड़ी प्रेरणा उत्साहित करने की शर्त नहीं है, उत्साहित करने की शर्त नहीं है, रुचि पैदा करना, उत्सुकता दबाना, उपलब्धि प्रेरणा विकसित करना या प्रेरक प्रदान करना। तो इसमें जो है उत्सुकता दबाना जड़ा है वो कोई भी शर्त नहीं हैगी उत्साहित करने की, बच्चों उत्सुकता असं कदम दबावे नहीं, बी नेगेटिव के अंदर नहीं आंसर आएगा। तो IQ स्टूडेंट्स, IQ का फार्मूला बताना है, तो IQ का फार्मूला सीधा ही आपको बताए, मानसिक उम्र बटा वास्तविक उम्र गुना 100 इज द राइट आंसर। मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100। गार्डनर अनुसार स्पेशल बुद्धि का प्रदर्शन कौन करता है, तो गार्डनर अनुसार जो है स्पेशल बुद्धि का जो प्रदर्शन है वो कौन करता है स्टूडेंट्स,
वो करते हैं पेंटर स्टूडेंट, वो कौन करता है पेंटर जो है चित्रकार जो है वो गार्डन के अनुसार जो है वो स्पेशल बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। हाँ जी, पियाजे के मनुखी गत्यात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा के बौद्धिक विकास के किन्ने पड़ावों की शिनाख्त की गई है, तो जीन पियाजे का जो है वो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चार है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, तो डी इसका आंसर आएगा। सबसे पहले संगठित मुंडली बाल सिखलाई विधि केड़ी है, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, दोनों ए और बी और कोई नहीं। मेरे अनुसार इसका आंसर जो है वो इंटीग्रेटेड जो है वो दोनों ही थी, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन जो है वो इसका जवाब होना चाहिए सी। हेठ लिखिया विचों केड़े स्कूल प्रगतिशील सिक्ख्या का समर्थन करते हैं, तो जो पब्लिक स्कूल हैं स्टूडेंट्स वो प्रगतिशील शिक्षा का जो है वो समर्थन करते हैं, प्रोग्रेसिव स्कूल का। बाल केंद्रित सिक्ख्या का समर्थन हेठ लिखिया विचों किसने किया, तो बॉय सेंट्रिक सिक्ख्या का समर्थन जोड़ा है वह हेठ लिखिया विचों जॉन डीवी ने किया, डी इज द राइट आंसर डी। आई क्यू का संकल्प किसने दिता, पॉइंट द टर्म आई क्यू, तो आई क्यू को जो आपको पता ही है विलियम स्टर्म ने 1912 के अंदर आई क्यू टर्म दिया था और उसके बाद 1916 में टर्म ने इसमें सुझाव दिया। अब इसका जो उत्तर है स्टूडेंट्स बी इज द राइट आंसर। और जो है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, तो ग्रुप टेस्ट को लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इंटेलिजेंस के क्वेश्चन कराए थे, आर्मी अल्फा भी है आर्मी बीटा भी है, लेकिन जो है मिनीसोटा प्री स्कूल स्केल जो है वो इंडिविजुअल टेस्ट है, ये ग्रुप टेस्ट नहीं है, मिनीसोटा जो है वो इंडिविजुअल टेस्ट है, तो ये जो सी आंसर है इसका बिल्कुल ठीक उत्तर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हो।